ब्लैकबेरी को बनाने वाले RIM रिसर्च इन मोशन ने अपने टैबलेट प्लेबुक को इनॉग्रेट तो कर दिया था 2010 के सितंबर महीने में, पर तब से लेकर अब तक उनकी टैबलेट की बुरी बैटरी लाइफ की खबरें लगातार आ रही हैं। उन्हीं खबरों को खारिज करते हुए RIM ने कंफर्म किया कि उनकी टैबलेट की बैटरी लाइफ इनफैक्ट काफी अच्छी है और रेगुलर टैबलेट से ज्यादा का आउटपुट देती है। दरअसल RIM का प्लेबुक चलता है QNX ऑपरेटिंग सिस्टम पे, जिसका वैसे इस्तेमाल होता है गाड़ियों में या नेटवर्क इक्विपमेंट्स में। इस पे RIM स्पोक्सपर्सन का कहना है कि ऐसे में बैटरी लाइफ की कोई दिक्कत आ ही नहीं सकती। ब्लैकबेरी के दूसरे स्मार्टफोन्स की तरह ये टैबलेट भी बनाया गया है बिजनेस क्लास के लिए, फिर फैशन की तरह या स्टाइल स्टेटमेंट की तरह इसे सब रख सकते हैं, पर इसके फंक्शन और यूजेबिलिटी सब है बिजनेस क्लास के लिए। एप्पल के आईपैड से वैसे RIM का प्लेबुक बेहतर इसीलिए भी है क्योंकि जहां एप्पल पे फ्लैश फाइल्स नहीं चल सकती, वही प्लेबुक पे वीडियो और ग्राफिक्स सब रन कर सकते हैं। अब तो बस इस प्रोडक्ट के मार्केट में आने की देरी है, फिर ही पता चलेगा कि प्रोडक्ट ने मार्केट पे कब्जा किया है या नहीं, एप्पल को पीछे छोड़ा है या नहीं।